हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। जय श्री राम सभी लोगों को। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, यहाँ से हमें पढ़ना है। तो हम उस समय समाज में जो बुराइयाँ हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। जो डिस्कस कर चुके हैं अभी तक हम, उसमें सबसे पहला सती प्रथा था, फिर विडो रीमैरिज, उसके बाद में गर्ल्स एजुकेशन और चाइल्ड मैरिज। इन समस्याओं के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे वो है कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम अपने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा समय तक प्रचलित रही और इसकी वजह से हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जातिवाद आज भी हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में गांवों में देखने को मिलती है। हालांकि शहरों में तो हम इससे पूरी तरीके से छुटकारा पा चुके हैं, पर फिर भी गांवों में स्टिल कहीं कहीं पर देखा जाता है, जहाँ पर लोगों से जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। और आजकल तो इसका एक नया रूप हमें देखने को मिल रहा है, जिसको हम कल क्लास क्यों नहीं हुई थी, अरे तो कल क्लास नहीं हुई उसके पीछे कुछ कारण होगा। ठीक है बच्चा, तो इतना टेंशन ना लिया करो, लाइव क्लास है, सिलेबस आपका कंप्लीट करवा देंगे हम। और ऐसे ही चलता रहा तो 2 महीने में ही आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप हमारे सिर पर तांडव करोगे, सर आप पढ़ाओ, सर आप पढ़ाओ। ठीक है, 8th क्लास का तो बड़ा अच्छा सिलेबस चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। रायमा बंसल जी, अभिराज जी गुड आफ्टरनून, प्रियांशु गुड आफ्टरनून, ब्रिटिश दुबे जी गुड आफ्टरनून, अभिषेक मिश्रा जी गुड आफ्टरनून। कल कुछ नेट वेट प्रॉब्लम थी, उसके कारण हम क्लास नहीं ले रह पाए आपके। हाँ, तो कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म, सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग आल्सो क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटीज। तो राम मोहन रॉय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। द प्रार्थना समाज एडहर्ड टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति दैट बिलीव्ड इन स्पिरिचुअल इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट। In Bombay, the Paramhans Mandali was founded in 1840 to work for the abolition of caste. तो भारत में उस समय ऐसा नहीं है कि जाति प्रथा के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जा रही थी, ये मैंने आपको बता दिया था, पर उस दिन वीडियो अटक रहा था इसलिए मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, यही पैराग्राफ में वापस रिपीट मोड में डाल रहा हूँ। तो इट इज़ नॉट सो इन इंडिया देट टाइम देर वॉज नो वन अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, देर वर मैनी पीपल हु वर अगेंस्ट द कास्टिज्म एंड दे वर क्रिटिसाइजिंग द कास्टिज्म। बट उस समय ज़्यादातर लोग जो थे वो सपोर्ट में थे, उनको सही लगता था ये। तो सबसे पहला जो नाम है जिसने जातिवाद के ऊपर प्रहार किया वो राजा राम मोहन रॉय का है। उन्होंने कुछ बुद्धिस्ट टेक्स्ट निकाल कर लाए और लोगों के सामने रखा, उनको ट्रांसलेट किया और बताया देखो जातिवाद किस प्रकार समाज के लिए नुकसानदायक हो सकती है, जातिवाद नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने कहा। उसके बाद में प्रार्थना समाज ने भी जातिवाद के खिलाफ बोला, परमहंस मंडली और उस समय जो भी सोशल रिफॉर्मर्स थे वो जातिवाद के ऊपर प्रहार कर रहे थे। तो मैनी ऑफ दिस रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशंस वर पीपल ऑफ अपर कास्ट। ऑफन इन सीक्रेट मीटिंग्स दिस रिफॉर्मर्स वुड वायलेट कास्ट टाबूज ऑन फूड एंड टच इन एन एफर्ट टू गेट रीड ऑफ द होल्ड कास्ट प्रिजुडाइज इन दियर लाइफ। ये जो भी लोग थे जो जाति के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, ज़्यादातर लोग ऊंची कास्ट के थे। तो जब भी मीटिंग्स होती थी सभी लोग मिलकर भोजन करते थे, छुआछूत को समाप्त करना चाहते थे, मिल बांटकर पानी या बाकी चीज़ें करते थे। उस समय छुआछूत हुआ करती थी, अगर आपने पुरानी किताबों में पढ़ा हो, पुरानी चीज़ों के बारे में पढ़ा हो, या उन किताबों में पढ़ा हो जो पुराने समय के बारे में है, खासकर इतिहास में, तो आपने पढ़ा होगा कि एक कुएं से सभी जाति के लोग पानी नहीं ले सकते थे। लोअर कैटेगरीज के लोग, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उनके घर गांवों में किनारे पे हुआ करते थे। जब कोई ऊंची कास्ट वाला गुजरता था तो लोअर कास्ट वाले लोगों को अपनी जूते निकालकर सिर पर रखने रहते थे। ऐसी कुछ चीज़ें थी जो भारत के लोगों को आपस में बांट रही थी और इसी का फ़ायदा बाहर के लोगों ने उठाया। इसी के आधार पर तुर्क हमारे यहाँ पर रूल करके गए,
इसी का फायदा उठाकर मुगल हमारे यहाँ पर रूल करके गए और कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाया अंग्रेजों ने। और भारत में 1947 के बाद में शुक्र मनाइए कि भारत नहीं बट पाया, वरना आगे भी हमें इसका खामियाजा भुगतना पड़ता। हालांकि आज तो मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे देखता हूँ बहुत सारे लोग बात करते हैं कि यार हमें जातियों में बंटने की बजाय एक साथ में रहना चाहिए, सभी को मिलकर काम करना चाहिए ताकि हमें कोई बांट ना सके। बढ़िया भी है वो, जब तक हम बटे रहेंगे जब तक कोई भी हमें आसानी से झुका देगा, पर अगर हम यूनाइटेड हैं, सभी मिलकर हैं, एक साथ में हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं झुका सकती। तो इंडिया के साथ में यही तो प्रॉब्लम रहा, अपना सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट था वो कास्टिज्म था, जाति के आधार पर हम बटे हुए थे। ठीक, तो जितने भी लोग हमें सुन पा रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है स्टडी अड्डा पर, जो कि पहले ही कमेंट कर दी गई है। ठीक है, तो अब वो भाग्य हमारे का आप यहाँ पर पधारे। तो देयर वर आल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 19th सेंचुरी क्रिश्चियन मिशनरीज बिगिन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रन। दिस चिल्ड्रन वर thus equipped with some resources to make their way into a changing world। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू में अपर कास्ट वाले लोग ही जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, दूसरे ग्रुप भी थे जो जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, जिसमें यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज के बारे में भी कहा है कि इन्होंने भी जो ट्राइबल्स थे, लोअर कास्ट के लोग थे, उनके लिए कुछ मिशन स्टार्ट किए थे, कुछ प्रोग्राम लॉन्च किए थे ताकि वो पढ़ लिख सकें और अपनी दुनिया को बदल सके, अपने लिए एक बेहतर ज़िंदगी ढूंढ सकें। तो देयर वर मेनी पीपल हु वर वर्किंग फॉर अपलिफ्टमेंट फॉर द पीपल हु वर लोअर इन द कास्ट। कुछ ऐसे ग्रुप्स भी थे जो इनके लिए काम कर रहे थे, सरकार भी इनके लिए काम कर रही थी। एवरी वन वॉज ट्राइंग देयर बेस्ट टू अपलिफ्ट द पीपल हु वर डाउन ट्रोडन, जो डाउन ट्रोडन थे उनको ऊपर उठाने के लिए हर कोई कोशिश कर रहा था। ठीक है, देखते हैं, वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। चलो, यहाँ पर एक और बच्ची है जिनको आंसर दो, 7th की क्लास क्यों नहीं ली। और यहाँ पर अभी हम 8th क्लास के बच्चों को ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि हमने क्लास क्यों नहीं ली, आपका और प्रश्न बढ़ गया। तो देखो, पहली बात, अगर मैं पहला लेक्चर नहीं लेता हूँ और फिर सारे लेक्चर नहीं लगता हूँ तो बड़ा सिंपल सा कॉमन सेंस लगाना है आपको यहाँ पर कि सर अब्सेंट है। पर अगर सर ने पहला लेक्चर लिया, दूसरा लेक्चर लिया, तीसरा नहीं लिया है, तो आपको सिर्फ एक ही लॉजिक लगाना है कि नेट प्रॉब्लम होगी या फिर कैमरे की प्रॉब्लम होगी या पैनल की प्रॉब्लम होगी। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं पहला लेक्चर लेके बाकी लेक्चर नहीं लेता हूँ। तो कल अगर आपने देखा हो तो मैंने दो लेक्चर ले लिए थे, दो लेक्चर लेने तक मुकेश अंबानी जी को कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, फिर दो लेक्चर लेने के बाद में उनको दिक्कत हो गई और नेट अटकने लग गया और नेट ऐसा अटका कि फिर हम लेक्चर ले ही नहीं पाए। तो 8th भी नहीं ले पाए, शायद 10th भी नहीं ले पाए थे और 7th भी नहीं ले पाए। सिंपल। तो एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेज टू लुक फॉर जॉब्स दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज। अब पहले क्या, लोग गांवों में रहते थे, धीरे धीरे गांवों से लोग शहरों की तरफ पलायन करने लग गए। अब जो गांवों में रहते थे वो एक दूसरे को पहचानते थे और शहरों का आकार उतना बड़ा होता नहीं था, तो सबको बाय फेस जानते थे और सबकी जाति पता होती थी। पर उस समय बदलाव क्या होने लगा कि गांवों के लोग काम की तलाश में गांव से शहर की तरफ चलने लग गए। अब जब गांव से शहर की तरफ लोग आकर बसने लग गए, तो देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप एंड जॉब्स इन म्यूनिसिपैलिटीज। तो यू हैव रीड अबाउट द एक्सपांशन ऑफ सिटीज इन चैप्टर नंबर 6। तो आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा हुआ शहर किस तरीके से एक्सपांड हो रहे थे। तो गांव के लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ आ रहे थे, धीरे धीरे जनसंख्या किधर मूव कर रही थी, देवर मूविंग फ्रॉम विलेज टू अर्बन एरियाज। तो थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड। तो ड्रेन्स हैड टू बी डक, रोड्स लेड, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड एंड सिटीज क्लीन। दिस रिक्वायर्ड कूलीज, डिगर्स, कैरीज, ब्रिकलेयर्स, स्वेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, प्लैंक्यून बिररर्स, रिक्शा पिलर्स। तो मतलब जो भी शहरों में काम करने वाले लोगों की जरूरत थी वहाँ पर आ रहे थे, भाई रोड साफ करने हैं, बिल्डिंगें बनानी हैं, ईंट बनाने वाला चाहिए,
और भी बहुत सारी चीज़। तो वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम? द पुअर फ्रॉम द विलेज एंड स्मॉल टाउन्स, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट बिगेन मूविंग टू द सिटीज वेयर देयर वॉज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन आसाम, मॉरिशस, त्रिनिडाड एंड इंडोनेशिया। वर्क इन न्यू लोकेशन वॉज ऑफन वेरी हार्ड, बट द पुअर द पीपल फ्रॉम लो कास्ट saw this as an opportunity to get away from the oppressive hold that upper caste land owners exercised over their lives and the daily humiliation they suffered। तो भैया इस समय शहरों का एक्सपांशन हो रहा था, देखते ही देखते लोअर कास्ट वाले लोग किधर जाने लग गए, शहरों की तरफ, और उनको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई काम की, कि यार वो अब उनको काम मिल सकता है। तो काम की तलाश में ज़्यादातर लोग कहाँ भाग रहे थे? शहरों की तरफ। दे वर मूविंग फ्रॉम विलेज टू अर्बन एरियाज, और देखते ही देखते गाँवों से वो लोग जो अपर कास्ट से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, काफ़ी ज़्यादा प्रेशराइज्ड थे, वो काम की तलाश में कहाँ जा रहे थे? शहरों की तरफ। ठीक है, तो ये कारण था कि उस समय शहर दिनों दिन बड़े होते चले जा रहे थे, गाँव छोटे हो रहे थे। तो यहाँ पर एक कूली शिप है 19 सेंचुरी में, जिसमें लोगों को लाद लाद कर, ऐसा नहीं कि सिर्फ शहरों की तरफ आए, कुछ लोग काम के तलाश में दूसरे देश भी गए, जिसमें आपने मॉरिशस का नाम सुना होगा, त्रिनिडाड का नाम सुना होगा, बहुत सारे आइलैंड हैं जहाँ पर अंग्रेज लोग भारत के लोगों को भर भर के ले गए ताकि वहाँ पर इनसे काम करवा सकें। तो ये कूली शिप है जिसमें भारत से लोगों को काम करवाने के लिए मॉरिशस ले जाया गया। याद रखिएगा, मॉरिशस की स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है, ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। Who could produce shoes? ये एक्स्ट्रा जानकारी है, ये पिक देख सकते हैं आप। तो लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स विच आर सीन एज अ डर्टी एंड पॉल्यूटिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। हाउएवर देयर वॉज अ ह्यूज डिमांड फॉर शूज फॉर द आर्मीज। कास्ट प्रेजुडाइस अगेंस्ट लेदर वर्क मीट that only the traditional leather workers and shoemakers were ready to supply army shoes, so they could ask for the high price and gain impressive profit। देखो यहाँ पर गया कि पहले के ज़माने में जो lower caste हैं, जो चमड़ा का काम करते थे, वही जूता बना सकते थे, बाकी लोग जूता नहीं बनाते थे क्योंकि बहुत छुआछूत का काम माना जाता था। पर जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ, जूते की डिमांड बढ़ गई। अब जूते की डिमांड बढ़ गई, जूते बनाने वाले लोग फिक्स थे, तो इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पैसा मांगा जूता बनाने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉफिट कमा सके, मतलब काफ़ी लोगों का जीवन जो था वो बदल गया। मैनी पीपल कुड गेट द प्रॉफिट, बहुत सारे लोग पैसा कमा सके। चलिए पहला प्रश्न पूछ लेते हैं। चलिए पहला और दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, देखते हैं कौन आंसर देता है। राजा राममोहन रॉय ने जातिवाद के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी, तो उन्होंने कुछ टेक्स्ट प्रोड्यूस किया था जिसके आधार पर भारतीय लोगों को बताया कि देखो यार इन धर्मों में भी जातिवाद नहीं होती है। तो वो किस रिलीजन से वो टेक्स्ट निकाल कर आए थे जिसके आधार पर उन्होंने भारतीय लोगों को एग्जाम्पल दिया? नेम दैट रिलीजन फ्रॉम देयर दे टुक द टेक्स्ट। बहुत बढ़िया, परम शर्मा ने आंसर दिया, बुद्धिस्ट टेक्स, परम शर्मा।
अक्षय कास्तवाड़, ठीक है, अक्षय कास्तवाड़ ने आंसर दिया है। देर वर अदर जॉब्स टू द आर्मी फॉर इंस्टांस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज अ नंबर ऑफ महर पीपल हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल्स फाउंड जॉब इन द महर रेजिमेंट द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट टॉट एट एन आर्मी स्कूल। तो यहाँ पर देखिए और भी ऐसी कास्ट थी जिनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नए नए शहर का एक्सपांड हो रहा था तब, और बाहर के देशों में काम मिला जाति के आधार पर। तो यहाँ पर एक महर रेजिमेंट है जिनको उस समय जॉब मिली थी, इसमें सिर्फ उसी कास्ट के लोग थे जिन्हें अपॉइंट किया जाता था, या बाकी लोग इसलिए नहीं करते थे क्योंकि ये कास्ट के ऊपर था। जैसे जूते बनाने वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया। तो यहाँ पर नो प्लेस इनसाइड द क्लासरूम, तो इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एज लेट एज 1829 अनटचेबल्स वर नॉट अलाउड इन टू इवन गवर्नमेंट स्कूल्स व्हेन सम ऑफ देम प्रेस्ड हार्ड फॉर दैट राइट। They were allowed to sit on the veranda outside the classroom and listen to the lesson without polluting the room where upper caste boys were taught. देखो ये क्या example दिया 1829 का, कि जो lower caste बच्चे थे उनको स्कूलों में allow नहीं किया जाता था, जबकि government schools थे पर फिर भी उनको allow नहीं किया जाता था, और बाहर फिर आखिर में उन्होंने protest किया तो उनको बाहर बैठाया जाता था, और वहाँ पर भी उनको warning दी जाती थी class को गंदा ना करें, क्योंकि class के अंदर upper caste के बच्चे बैठते थे। तो doubles of Gujarat carrying mangoes to the market, Dublas labored for upper caste land owners, cultivating their field and working at a variety of odd jobs at the landlord's house. यहाँ पर एक कास्ट के बारे में बताया गुजरात का, श्री नारायण गुरु। तो demands for equality and justice gradually by the second half of the 19th century. तो जातिवाद कब तक कहती भाई भारतीय लोगों को, या भारत का बहुत बुरा कर चुकी थी जातिवाद, आखिर में कभी ना कभी तो अंत आना ही था। तो जातिवाद के खिलाफ आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लग गई, और 19 सेंचुरी तक आते आते जो नॉन ब्राह्मण्स थे, पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट भी, यार कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, रीऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, गनोराइजिंग तो कुछ वर्ड नहीं बन रहा है, हाँ कुछ मिस्टेक है यहाँ पर, देखना पड़ेगा इस वर्ड को, चेक करना बच्चों क्या है इसमें मिस्टेक, वर्ड सही है क्या एक बार चेक करो तो। एंड डिमांडेड सोशल इक्वलिटी एंड जस्टिस, तो द सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया वॉज फाउंडेड बाय घासीदास हु वर्कड अमंग द लेदर वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट टू इम्प्रूव दियर सोशल स्टेटस इन ईस्टर्न बंगाल। हरिदास ठाकुर मतवास सेक्ट वर्कड अमंग चंदल कल्टिवेटर्स। तो यहाँ पर देखिए एक से एग्जाम्पल आ रहे हैं कि भाई लोअर कास्ट वाले जो लोग थे वो अपने अधिकारों के लिए आंदोलन चलाए जा रहे थे। पहला जो आंदोलन है अपने इंडिया में वो कहाँ पर है, सतनामियों के द्वारा चलाया गया सेंट्रल इंडिया में, दूसरा जो है वो बंगाल में हरिदास ठाकुर जी के द्वारा। तो ऐसे अनगिनत आंदोलन उस समय चलाए गए क्योंकि लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, दे वॉन्टेड इक्वलिटी, पर उनको अधिकार दिए नहीं जा रहे थे इसलिए वो आवाज़ उठा रहे थे। चलिए दूसरा प्रश्न पूछ लेते हैं लगे हाथ आप लोगों से। हाँ बिगेन ऑर्गेनाइजिंग होगा ना, बिगेन ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ यार बिगेन ऑर्गेनाइजिंग, बहुत बढ़िया। तभी तो मैं सोचूं यार कि अंग्रेजी में नया वर्ड कब आ गया यार, अपनों को पता ही नहीं चला, रात को सोए थे तब तो नहीं था, सुबह उठते से कोई सा वर्ड जुड़ गया क्या। दूसरा प्रश्न है एंशियंट इंडिया में या मेडाइवल इंडिया में कोई सी ऐसी तीन बुराइयां बता दो जिससे कि भारत में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो नेम एनी थ्री एविल्स विच वर प्रीवेलेंट इन इंडियन सोसाइटी। बहुत बढ़िया अमृत कौर जी,
कुछ तो भी सती प्रथा, ठीक है। कार्तिकेय ने दो आंसर दिए, मनीषा ने सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज एंड सोशल कस्टम। सोशल कस्टम क्या होता है? कास्ट सिस्टम, सती प्रथा, चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है। अमृत कौर का सही आंसर है, अमृत कौर, अमृत कौर। चलिए आज बच्चे 29 तक पहुंच गए, जिस दिन से स्कूल स्टार्ट हुआ आज स्ट्रेंथ अच्छी दिख रही है 8th क्लास की। हालांकि हमारी जो पुरानी वाली स्ट्रेंथ वो तो नहीं पहुंची, 30-40 बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। रायमा वंशल ने दिया है मेरे हिसाब से सही आंसर, कास्ट सिस्टम, सती प्रथा एंड चाइल्ड एजुकेशन, ठीक है। रायमा वंशल जी बढ़िया, मुबारक। राइमा बंसल, देखिए हरिदास क्वेश्चन, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम इन वाट इज प्रेजेंट डे केरला, अ गुरु फ्रॉम इजावा कास्ट श्री नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडियल ऑफ यूनिटी फॉर इस पीपल, ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट डिफरेंसेज। तो अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट। वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट वॉज ओरु जाति, ओरु मातम, ओरु देव मनुष्यम, वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड। तो ऑल दिस सेक्ट वर फाउंडेड बाई लीडर्स हु केम फ्रॉम नॉन ब्राह्मण कास्ट एंड वर्कड अमंग देम, दे ट्राइड टू चेंज दीज हैबिट्स एंड प्रैक्टिस विच प्रोवोक द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, दे ट्राइड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबऑर्डिनेट कास्ट। तो देखो यहाँ पर बताया गया है कि हरिदास जी जो थे उन्होंने सबसे पहले प्रश्न किया था कि जातिवाद क्या है। जातिवाद के खिलाफ जितने भी उस समय जो टेक्स्ट थे, बुक्स थे, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, इन्होंने प्रोटेस्ट किया कि जातिवाद उतिवाद कुछ भी नहीं होता, सभी लोगों की एक ही जाति है, एक ही रिलीजन है, एक ही भगवान है। तो जो जाति की आद के आधार पर लोगों के साथ में अन्याय करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, गलत तरीके से वो लोगों को ट्रीट करते हैं और इस पर बैन लगना चाहिए, इसको बंद कर देना चाहिए। तो दे ही वॉज अगेंस्ट द कास्टिज्म, ही सेट वंस ही सेट कि वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड ऑफ द पीपल, यही है। बाकी लोग अगर बोल रहे हैं, इन्होंने उन किताबों के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जिसमें लिखा गया था कि जातिवाद है, जातिवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई, उन ग्रंथों के खिलाफ आवाज़ उठाई जिसमें जातिवाद को सही ठहराया गया था। गुलामगिरी के बारे में हम कल पढ़ेंगे, ये बहुत फेमस बुक है, तो ये पूरा टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। ज्योतिबा फुले के द्वारा ये बुक लिखी गई थी, यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार, ठीक है। तो मैं तीसरा प्रश्न पूछ लेता हूँ आज आपसे और फिर हम चलते हैं, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो मैंने आपको शायद आज तो नहीं बताया, इससे पहले बताया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। तो कैन यू नेम द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, भाई आप ब्रह्म समाज के फाउंडर का नाम बता सकते हैं? मैंने आपको आर्य समाज बताया था, रामकृष्ण मिशन बताया था, उस दिन ब्रह्म समाज भी बताया था। जिन्होंने इसको बनाया था, फाउंडर जो हैं उनके बारे में आज हम दो बार जिक्र कर चुके हैं।
आंसर आया है, आंसर आया है, बिल्कुल सही आंसर आया है, पर किसके द्वारा आया है? गजब यार, एक साथ में इतना कैसे आंसर दे देते हो रे, सब लोगों ने एक साथ में दिया। किसका आंसर है, किसका आंसर है, किसका आंसर है? पंडित रमाबाई, राजा राम मोहन रॉय, ब्रिटी दुबे ने दिया आंसर, राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले, ब्रिटी दुबे। ठीक है, ब्रिटी दुबे का है। युविश गर्ग, चलो ठीक है बच्चा, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय, जय श्री राम।